बारबाडोस रॉयल्स वर्सेस सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के बीच में मैच है मेरे भाई, और ये मैच नंबर 18 आ चुका है। और ये मैच के बाद अब आपको थोड़ा गैप मिल जाएगा, फिर 18 तारीख को मैच है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मार्केट बोल रही है 36%, क्वाइट अपोजिट। रैंक वन पे है बारबाडोस रॉयल्स, 5 मैच खेली है, 4 मैच जीती है, 1 हारी है सिर्फ। वही कंप्लीट अपोजिट पे आ जाइए तो 6 पोजीशन पे, 7 मैच खेली है, 6 हारी है, 1 जीती है, और ये एक मैच पहला मैच जीती थी। उसके बाद बैक टू बैक लगातार में कोई टीम अगर 6 मैच हारी है तो ये टीम है। तो मार्केट क्वाइट अपोजिट बोल रहा है, 64% बोल रहा है कि सेंट किट्स से मैच जीत सकती है विन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, मार्केट सिटिंग यानी बुकी फेवरेट है ये, और बारबाडोस के साथ 36%। लेकिन पंटर अगर प्रॉफिट में आएगा जब बारबाडोस जीतेगी, पंटर पकड़ेगा ही बारबाडोस को, बट ऑब्वियस बात है बैक टू बैक मैचेस जीत के आ रही है, करंट नंबर 1 पोजीशन पे है, डीकॉक फॉर्म में है, और बड़े बड़े टीम्स को हराइए, गायना को भी हराइए मेरे भाई। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर बोला जाए तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 95% एक्यूरेसी CPL में रहा है। जी हाँ, 90 से 95% जो विन प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, जो जिसको बुकी फेवरेट रखा है वो CPL में इस साल जीता है। तो इस हिसाब से सेंट किट्स ये मैच जीत सकता है, यहाँ पे ये दिख रहा है। तो क्या ऐसा होगा मेरे भाई, रिपोर्ट पे काम चल रहा है। अगर बात करें जाए रिपोर्ट का, तो 18 मैच हो चुका है, यानी 17 मैच हो चुका है, ये 18वां मैच है। नेक्स्ट लेवल काम चला है, 15 मैच लगातार में पास करवा के दिया है CPL में, इस लेवल का काम दिया है मेरे भाई। तो काम अगर आपको ऐसा चाहिए, प्रॉफिट बनाना है, कोई भी लॉस हो, कितना भी लॉस हो, अगर इस तरह का काम आपको अगर आप जुड़े होते, फ़ायदा उठाते, तो आपका लॉस ही नहीं होता, सारा लॉस रिकवर हो जाता मेरे भाई। तो कोई बात नहीं है, 4:30 बजे उठने का कोशिश करिए, किंग्स ईस्टर्न ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस, ये इनका होम ग्राउंड है, यहाँ मैच खेला जाएगा। तो कौन सी टीम जीतेगी, सेशंस कैसे कटेंगे, A to Z बात करेंगे मेरे भाई। जो बोलेंगे जैसे बोलेंगे फॉलो करते रहिए, प्रॉफिट आपके जेब में होना तय है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पे इसको स्कैन करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और 7 4 2 8 5 2 5 7 6 7 मैच और सेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और हर वीडियो के नीचे मेरे भाई यही है टेलीग्राम चैनल, जाके ज्वाइन करिए, लिंक है वहाँ से ज्वाइन करिए, और 7 4 2 8 5 2 5 7 6 7 पर कॉन्टैक्ट करिए मैच और सेशन के लिए। और कोई भी डाउट है मैच और सेशन से रिलेटेड तो जुड़िए पहले, जुड़ने के बाद देखिए काम का लेवल कैसा है, और फॉलो करते रहिए एज इट इज़, कमाते रहिएगा, कोई डाउट नहीं है मेरे भाई, मोटा प्रॉफिट करवा के देंगे, डेली करवा भी रहे हैं, तो आप भी जुड़िए, कमाइए ऐसे ही। 27 डिग्री टेम्परेचर जहाँ से हो, रेन है, 88% ह्यूमिडिटी, और बारबाडोस में यहाँ पे ड्यू फैक्टर प्रिवेल करता ही है। सेकंड बैट पे थोड़ा सा यहाँ पे बॉल करने ग्रिप करने में डिफिकल्टीज हो रही थी स्पिनर्स को, और उतना ज़्यादा स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रहा था सेकंड इनिंग्स में जितना फर्स्ट इनिंग में मिलता है, यानी सेकंड बैट को यहाँ पे एडवांटेज है, ठीक है। बाकी आप मैच देखिए कैसा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 34 मैच हुआ है, 34 में से 20 बार फर्स्ट बैट, 14 बार सेकंड बैट, 156 ऑन एन एवरेज है, 220 हाइएस्ट है, 52 लोएस्ट है TKR का, 150 से नीचे 15 बार, 152, 169, 7 और 172, 189, 7 टाइम्स अबव 186, 5 बार लगाए। लेकिन लास्ट 3 मैच में बारबाडोस ने क्वाइट अमेजिंगली 200+ का टारगेट दे दिया, और यहाँ पे डीकॉक का 100+ रन आया, तो सरफेस ओवरऑल अच्छा लगा, तभी तो यहाँ पे ये भी टीम यहाँ तक पहुँची, ठीक है। तो ओवरऑल अभी सरफेस यहाँ पे अच्छा है, 6 में से 6 विकेट पेसर्स, 5 में से 2 विकेट पेसर्स, 3 विकेट स्पिनर्स, फिर 156 का टारगेट यहाँ पे ये भी चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे सरफेस फंस रहा, तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है मेरे भाई सब सरफेस के बारे में। कभी लगता है स्लो सरफेस है, कभी लगता है हाई स्कोरिंग मैच है, वो भी चेज होने लगता है, तो कुछ ठीक ही नहीं है, क्योंकि 2 से 3 सरफेस एक पिच पे रहता है, और उस पर किस पे मैच कराएगा उस वो एट द टाइम ऑफ द पिच रिपोर्ट जो आता है वहाँ पे देखने को बनेगा, और वो भी क्लियर नहीं रहता है मेरे भाई। तो 7 विकेट या देखिए स्पिनर्स को मिल गया, और यहाँ पे भी 8 में से 4 विकेट पे से 4 विकेट स्पिनर, ये मैच भी हारा ही हुआ था, जेसन होल्डर नहीं पिटा था उस दिन 45 रन, तो ये मैच आराम से बारबाडोस जीती हुई थी। फिर देखिए 5 विकेट 176 रन मारा, और ये भी मैच फंस जाता यहाँ पे 10 रन, ये रोशन प्राइमर्स का 23 रन का ओवर आया था जस्ट इससे पहले, जिसकी वजह से ये मैच फंसा, नहीं तो वो भी स्पिनर्स को मदद मिल रहा था यहाँ पे, और ये काफ़ी ज़्यादा रन था, 5 में से 4 विकेट पेसर्स, 1 विकेट स्पिनर्स, फिर 1 विकेट पेसर्स स्पिनर्स, 17 विकेट पेसर्स और 16 विकेट स्पिनर्स के पास है लास्ट 3 मैचेस में। हेड टू हेड में 18 मैच हुए इन दोनों के बीच में, जहाँ पे बारबाडोस 8 जीती है और सेंट किट्स 10 जीती, तो बारबाडोस यहाँ पे 2 मैच कम जीती है, इसलिए ये फेवरेट मानी जा रही है, और लगातार में बहुत मैचेस हारी हुई है, तो हो सकता है ये मैच जीत जाए, इसलिए यहाँ पे बुकी इसको फेवरेट रख रहा है। होम टाउन में बात करें तो 6 मैच खेली है, और बारबाडोस 2 जीती है और सेंट किट्स 4 जीती है, तो ये सब कुछ रीजन है, देख सकते हैं होम ग्राउंड इनका है, लेकिन काफ़ी डोमिनेशन सेंट किट्स का रहता है। लास्ट 5 में बारबाडोस 4 और 1 मैच जीती है सेंट किट्स, तो एक अच्छी बात यहाँ पे ये देखने को मिल रही है। बाकी इनका देखिए विन है, लॉस है, विन है, विन है, विन है, तो लास्ट 5 में से 4 मैच जीत के आ रही है, और ये लगातार में 5 के लगातार में 6 मैच हार के आ रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा बात होता है रीसेंट फॉर्म, तो रीसेंट फॉर्म बारबाडोस के साथ है, 50 76 116 171, तो ऑन एंड गुड बैटिंग सरफेस मान सकते हैं, सरफेस अच्छा ही होते जा रहा है, लास्ट में से 200+ लगा, उसको चेस भी हो सकता था अगर स्टार्टिंग से विकेट नहीं जाता तो,
तो ये सरफेस बढ़िया है और ये सेशंस भी आप यहाँ पे इतने लगते हुए देखने को मिले हैं ऑन एन एवरेज, तो इसको देख के खेल सकते हैं। प्लेइंग 11 का बात किया जाए बारबाडोस का, तो क्विंटन डिकॉक, एली कैथेनेस, कैडी मेलिन, डेविड मिलर, रोमन पॉवल, जेसन होल्डर, रिवाल्डो क्लार्क, केशव महाराज, महेश दीक्षा, ओबिड मैक्वायर और नवीन उल्हक। इधर देखा जाए तो एवन लुइस, आंद्रे फ्लेचर, काइल मेयर, जॉस क्लार्कसन, वनिंदु हजारंगा, राइली रूसो, वीर सैमी परमल, जॉनसन, जोहान लेन, मिल्काइल लुइस, एनरिक नोकिया और थबरेस शमसी। तो ये प्लेइंग 11 दोनों टीम का हो सकता है। बाकी क्विंटन डिकॉक देखिए 115, 39, 48, 19, 87। मैं बोल रहा था कि लास्ट दो मैच से इनका लग रहा बड़ा खेलेंगे और खेल के दिखा दिया, और कैप्टन के लिए जबरदस्त ऑप्शन है ये। कैडी नलिन 22, 30, 11, 14, 2, रॉबिन पॉलिंस 7, 59, 15, 9, 35। जब कोई नहीं चला तो ये 59 का बहुत इंपॉर्टेंट पारी आया, मतलब ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कोप अप करके खेल सकता है। एली कैथेनेस 16, 0, 34, 1, 28, डेविड मिलर 1, 19, 19, 6, 2। देखिए विकेट गिरेगा तो ये रिलायबल प्लेयर है, रिलाई कर सकते हैं इस पर, विकेट रोक सकता है, रन भी मार सकता है, टच में दिखा है। जेसन होल्डर 28, 0, 17, 6, 18, 2, 1, 2, 0, 2। तो ये काफ़ी तेज़ 28 रन आया जिसकी वजह से यहाँ पे 200 प्लस का टारगेट लगा और दो विकेट भी निकाला। रिवाल्डो का 6, 18, 54, 4, 28, केशव महाराज 3, 1, 1, 2, 1, ओबिड मैक्वायर 0, 2, 0, 2, 3, महेश दीक्षा 0, 3, 0, 2, 2। नवीन उल्हक उससे अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर भी इनका 0-1, 2-0-1। एविन लुइस का बाद है 15-5, 0-3-100। तो इसके बाद देखिए 100 से पहले अच्छा इनिंग चल रहा था, उसके बाद से लगातार में चार इनिंग फ्लॉप रहा है जिसकी वजह से ये टीम का हाल है। बाकी काइल मेयर्स का भी वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है, 92 के बाद 28, 0, 22, 17, 0, 0, 2, 1, 2, और बॉलिंग में भी विकेट निकल रहा था, जबरदस्त परफॉर्मेंस चल रहा था, लेकिन लास्ट दो मैच से एकदम हल्का पड़ गया टीम। और इंदु हजारंगा 2, 4, 1, 2, 1, बॉलिंग इनका जबरदस्त चल रहा है, रन भी मार के दिया है 0-3-40, 23-3। तो अब देखिए कोई भी प्लेयर मार सकता है क्योंकि फॉर्म था इनके पास, इसलिए यहाँ पे ये फेवरेट हो सकती है और क्वाइट सरप्राइजिंगली जीत भी सकती है। आंद्रे फ्रेजर 62-9-0-81-3, क्योंकि इनके पास ये 1, 2 और 3 तीन ऐसे प्लेयर हैं जो इन टच हैं, फॉर्म है और रन मारे हुए हैं, और नीचे से वनिंदु हजारंगा है। जॉस क्लार्कसन 4-3-24-1-38, राइली रूसो 50-20-0-106-7। तो लास्ट मैच में भी 50 आया इनका, तो ये भी थोड़ा टच में है, बाकी सरफेस अच्छा रहेगा तो ये चल सकता है। वीर सामी परमल का देखिए 0-1-1-0, जोहान लेन 0-0-0-1-3, एनिक नोकिया 1-3-1-1-2, हर मैच में विकेट है इनके पास, फास्ट बॉलिंग में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। मिल्काइल लुइस 7-63-30-31-56, डाउन द ऑर्डर थोड़ा स्लो खेल के फिनिश करके और अच्छा बैटिंग करके दिखाया, लास्ट मैच को छोड़िए उससे सारे मैच में परफॉर्म किया इन्होंने। तबड़े समझी 00-0-1-1। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आंद्रे फ्लेचर, क्विंटन डिकॉक अलॉन्ग विद एविन लुइस, मिल्काइल लुइस, जेसन होल्डर, काइल मेयर्स, वनिंदु हजारंगा, केशव महाराज, ओबिड मैक्वायर, एनरिक नोकिया, महेश दीक्षा। कैप्टन का बात करेंगे तो वनिंदु हजारंगा वाइस कैप्टन, ये काइल मेयर्स दोनों बढ़िया ऑप्शन है, और जेसन होल्डर का भी अभी फॉर्म अच्छा चल रहा है, और डिकॉक का बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक कर सकते हैं। और ड्रीम इलेवन का अपडेटेड टीम के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन करिए, नेक्स्ट लेवल टीम फ्री में आ रहा है। और 7-4-2-8-5-2-5-7-6 मैच एसोसिएशन के लिए इस पर कॉन्टैक्ट करिए, और मैच एसोसिएशन का टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, जाके ज्वाइन करिए, डेमो के लिए चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।